वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 रिवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। आज हम लोग देखेंगे द कॉटन मिल्स कम अप। तो जो सबसे पहला कॉटन मिल इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था वो एक स्पिनिंग मिल के हिसाब से हुआ था। स्पिनिंग का मतलब होता है धागे का बुनना। तो वो बॉम्बे में 1854 में एस्टैब्लिश हुआ था। उस समय बॉम्बे जो है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट के हिसाब से डेवलप हुआ था, क्योंकि बॉम्बे जो है वो कोस्टल एरिया में है और वहाँ से जो रॉ कॉटन है उसको इंग्लैंड और चाइना एक्सपोर्ट किया जा रहा था। क्योंकि जो महाराष्ट्र एरिया होता है या फिर जो मुंबई एरिया होता है वहाँ पे ब्लैक सॉयल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और कॉटन जो है वो ब्लैक सॉयल में अच्छे से ग्रो होता है। तो इसलिए सबसे पहला जो कॉटन मिल था वो बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया गया था ताकि फैक्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स है उनको ईजिली मिल जाए। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया है बुक में जिसमें कि उस फैक्ट्री का अंदर क्या चल रहा है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं बहुत सारे वोमेन हैं जो कि स्पिनिंग का काम कर रहे हैं और जितने भी वीविंग का काम होता है वो मेन लोग करते हैं। तो 90 के आसपास बॉम्बे में जो है करीब 84 मिल्स एस्टैब्लिश हो चुका था और वो चालू भी हो गया था। तो जितने भी मिल एस्टैब्लिश हुआ था उसको पारसी और गुजराती बिजनेसमैन एस्टैब्लिश किए थे जो कि चाइना के साथ बिजनेस करके पैसे कमाए थे। तो बॉम्बे के बाद अलग अलग शहरों में भी कॉटन की मिल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो अहमदाबाद में सबसे पहला कॉटन मिल जो है वो 1861 में एस्टैब्लिश किया गया और उसके ठीक एक साल बाद यानी 1862 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एक कॉटन का मिल जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो जो जितने सारे कॉटन की मिल्स ग्रोथ हो रहे थे या फिर एस्टैब्लिश हो रहे थे उतने सारे लेबर का डिमांड भी जो है बढ़ने लगा था। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं गांव में जो लोग पोर पीजेंट्स थे या फिर जो आर्टिसंस लोग एग्रीकल्चर लेबर जिनको अच्छे से काम नहीं मिल रहा गाँव में वो सभी शहर आने लगे काम की तलाश में ताकि वो लोग इन सभी फैक्ट्री में काम कर सकें। तो पहले जो कॉटन की मिल एस्टैब्लिश हुआ था उनको इंडियन मार्केट में अपना पाँव जमाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन से मशीन मेड कपड़ा जो है वो इंडिया को लाया जा रहा था और वो क्योंकि मशीन से बन रहा था वो थोड़े सस्ते था तो उनके साथ कम्पीट करना इंडियन बिजनेसमैन को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था। क्योंकि बाकी के जो कंट्री के गवर्नमेंट था उन्होंने जो कपड़े इम्पोर्ट हो रहा था उन पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी जो कस्टम बोलते हैं हम टैक्स बोलते हैं वो लगाए थे ताकि कोई दूसरा कंट्री अगर अपना सामान बेचना भी चाहे तो उनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था। इंडिया में जो भी कपड़े बाहर के कंट्री से आते थे उनको ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ता था। जब इंडिया के बिजनेसमैन उनको ये डिमांड किए इंडिया के गवर्नमेंट को कि उनको भी वही सब सुविधा दिया जाए, उनको भी उनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है जो कस्टम ड्यूटी है वो इम्पोज किया जाए, तो इंडिया गवर्नमेंट जो है ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन जो इंडियन इंडस्ट्री है उनमें ग्रोथ तब देखने को मिला था जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उस समय जितने भी कपड़े इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे वो सभी आना बंद हो गया था। तो इसलिए जो बिजनेसमैन है उनको इंडियन के कपड़े के ऊपर डिपेंड करना पड़ा या फिर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट वो लोग भी इंडिया के जो कॉटन के मिल्स थे उनके ऊपर वो डिपेंड करने लगे मिलिट्री लोगों को कपड़े सप्लाई करने के लिए। तो उसी समय इंडियन इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला था। तो ये था कॉटन मिल्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द सोर्स ऑफ टीपू सुल्तान्स एंड वुड स्टील। तो वुड स्टील को समझने के लिए उसके लिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं जो कि टीपू सुल्तान का है। तो टीपू सुल्तान जो कि एक फेमस रूलर थे मैसूर के जिन्होंने 1799 तक रूल किया और ब्रिटिश के साथ 4 युद्ध करने के बाद वो लास्ट युद्ध में वो मारे गए थे। तो जब वो मारे गए थे उन्होंने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ा हुआ था, सोर्ड जिसको बोलते हैं उसका पिक्चर जो है बुक में दिया गया है। तो अपने तलवार को हाथ में लिए ही वो मर गए थे। तो उनका जो तलवार था सोर्ड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल था और उसको आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है, क्योंकि उनका जो तलवार था वो बहुत ही खास मेटल से बना था जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और वो जो दुश्मन के आर्मर होता है या फिर उनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो पहनते हैं लोहे का कवच उनको भी वो भेदने में सक्षम था। तो इसलिए उनके उस
सोर्स जो है वो कौन से मेटल से बना है ये देखने के लिए या फिर वो उसको समझने के लिए इंग्लैंड के जो उस समय रूलर्स थे उन्होंने उसको अपने साथ ले गए थे और अभी भी उनको म्यूजियम में रखा गया है। तो टीपू सुल्तान का जो सोर्स है वो बहुत ही स्पेशल टाइप के मेटल से बनाया गया था जिसको बोलते हैं वुड स्टील। तो वुड स्टील जो उस समय पूरे साउथ इंडिया में फेमस था और उसको साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो उस स्टील से जो सोर्स बनाए गए थे वो बहुत ही हार्ड और बहुत ज़्यादा शार्प था। उस जो तलवार का जो धार है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता था। तो उस स्टील एक स्पेशल टाइप का हाई कार्बन मेटल है जो कि जिसमें जब तलवार बनवाए जाते हैं तो उसमें वाटर जब फ्लो होता है तो उस पैटर्न का धार रहता है। तो ये जो पैटर्न रहता है वो बहुत ही छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स जो कि आयरन में जड़े जाते हैं उसी से वो शेप बनता है। बुक में जो पिक्चर दिया है उसमें देख सकते हो कि कैसे टीपू सुल्तान का जो तलवार का हैंडल है उसमें बहुत सारे लेटर में कुछ कुछ लिखा गया है जो कि अरबिक लैंग्वेज है, उर्दू में लिखा गया है। वो कुरान से कुछ ना कुछ मैसेज उनकी विक्ट्री को लेके वहाँ पे लिखा गया है। और उसके बीच में देखो एक टाइगर का हेड है जो कि नीचे तलवार की ओर देख रहा है। तो उस समय एक फेमस इंग्लिश पर्सन थे जिनका नाम था फ्रांसिस बचनन, जो कि उस समय मैसूर 1800 सदी में वो मैसूर घूमने के लिए आए थे। और ठीक एक साल बाद जब टीपू सुल्तान मरने के एक साल बाद वो आए थे, तो उस समय वो मैसूर के बहुत सारे स्मेल्टिंग फॉरनेस में वो घूमे थे और उनसे ये पता लगा कि जो वुड स्टील है वो कैसे बनवाए जाते हैं। तो जो आयरन है उसको चारकोल के साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसको एक छोटे से क्ले पॉट में रखा जाता है। देन जो टेम्परेचर है उसको बहुत ही ध्यान से उसको कंट्रोल करके स्टील इंगोट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और जो स्टील इंगोट है वो सोर्स मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो खाली इंडिया के लिए ही नहीं, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से वुड स्टील जो है वो प्रोड्यूस होता है। जो वुड से वो एक इंग्लिश साइज्ड वर्सन है। इंग्लिश साइज्ड का मतलब होता है जिसको हम लोग गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जो हमारे लैंग्वेज को जब कोई फॉरेन लैंग्वेज वाले प्रोनाउंस करते हैं तो वो थोड़े बदल के प्रोनाउंस करते हैं, उसको ही बोलते हैं इंग्लिश साइज्ड वर्सन। तो ये जो है कन्नड़ वर्ड उक्कू, तेलुगु वर्ड हुक्कू और तमिल और मलयालम वर्ड जो है वो उरुक्कू। तो इसी वर्ड को जब फॉरेन लोग प्रोनाउंस करते तो उसको उच बोल के प्रोनाउंस किए थे। तो ये उसका इंग्लिश साइज वर्सन है जिसका मतलब होता है स्टील। तो इंडियन वुड स्टील जो है वो बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट को भी वो आश्चर्य करने लगा था, क्योंकि ये जो है कौन सी चीज़ से बना है उसको समझने के लिए माइकल फाराडे जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया था, उन्होंने 4 साल इसी उसके प्रॉपर्टी को पढ़ने में ही लगा दिए थे कि जो वुड स्टील है वो कैसे बनता है, जो कि 1818 से लेकर 1822 तक उन्होंने 4 साल पढ़ाई किए थे वुड स्टील के प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो वुड स्टील मेकिंग का प्रोसेस है वो साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो मिड 19th century के आते आते ये जो कला है ये जो मेकिंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। क्यों ख़त्म होने लगा था उसके बारे में जो है अभी डिटेल में पढ़ेंगे। बुक में एक और वर्ड दिया है स्मेल्टिंग, जिसका मतलब होता है किसी एक चीज़ को, जैसे कि कोई मेटल को अगर किसी पत्थर से निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हम लोग उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आयरन का ओर मिलता है, पत्थर मिलता है, तो आयरन को ओर को जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मेल्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको रिफाइन करने के बाद आयरन निकलता है। तो जिस हाई टेम्परेचर में उसको मेल्ट करते हैं उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं स्मेल्टिंग।